हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं होंडा SP125 की। और इसका लगभग जो मेरा फर्स्ट सर्विस हो चुका है और ये लगभग चल चुकी है, आपको दिख रहा होगा 1942 किलोमीटर ये चल चुकी है। और इसका टाइमिंग बिल्कुल बढ़िया है, गियर शिफ्टिंग दिखाता है, एवरेज दिखाता है, ये पेट्रोल दिखाता है और एवरेज इसका यहाँ पे दिखाता है। तो मैं आपको इसको दिखाऊँगा कि इसमें एवरेज कितना रहा है। जो मेरा पास्ट एवरेज है वो ये दिखाएगा अभी। ये देखो 81.7 किलोमीटर इसका पास्ट एवरेज रहा है। और इसकी अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, ये साइड स्टैंड की ये सबसे अच्छी बात है। कई बार बचाऊँ इससे मैं, तो ये सबसे अच्छा फीचर है। इको लाइट मैंने बंद कर रखी है क्योंकि मुझे जो लाइट नाइट में क्या होता है, जब ड्राइव करते हैं तो यहाँ से ग्रीन लाइट दिक्कत करती है आईज़ में। और लुकिंग देखो आप, मस्त है, पूरी लुकिंग बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी मुझे इसकी लुकिंग ही लगती है, लुकिंग आपको दिख ही रही है, लुकिंग सबसे प्यारी है इसकी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है लुकिंग वाइज, सबसे अच्छी लुकिंग वाइज ही लगती है मैं। और इस रेंज में एवरेज ज़्यादा देने वाला भी बाइक यही है। तो आपको मैं इसको राइड करके दिखाऊंगा आज कि इसमें जो इसका फर्स्ट सर्विस के बाद में इसका एवरेज कितना रहा है, माइलेज क्या रहा है। तो चलते हैं और लाइव राइडिंग होगी, तो दिखाता हूँ कैसे आपको मज़ा आएगा इसमें और इसका एक्सपीरियंस आप देखेंगे। ये मैंने ली है बाइक एडवांस होंडा से, तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये मैंने लगा रखा फ़ोन होल्डर ताकि मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसे यूज़ करूँ डायरेक्शन के लिए। और सबसे अच्छा फीचर इसका स्टार्ट नहीं हो रही है अभी क्योंकि मैंने क्लच नहीं दबा रखा, स्टैंड मैंने हटा दिया है यहाँ से। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लच दबा दिया, गियर में थी ये, क्लच दबा दिया, बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट होती है। और बिना इसके मैं दिखाता हूँ न्यूट्रल में भी कैसे स्टार्ट होती है ये। तो ये न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल एक थोड़ा सा फिर इसकी स्टार्टिंग हो गई, स्टार्ट कर ली मैंने, बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट है, ज़्यादा नहीं है, बंद करने के लिए इजीली बंद हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा काम आता है अपने को ट्रैफिक लाइट पे। तो मैंने स्टार्ट किया और फर्स्ट गियर आगे की तरफ, और मैं अब इसे राइड करने लेके जा रहा हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ और अभी इसकी स्पीड देखिए, स्पीड मैंने फोकस कर दी है। और स्पीड के साथ में आप इसका जो माइलेज है वो भी देख सकते हैं। ये इसका स्पीड पिकअप इसका देखिए किस तरह से हो रहा है, पिकअप बहुत इजीली कर जाती है ये। और स्पीड गेनिंग और स्पीड ड्रॉप दोनों अच्छा है इसका, गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी है। एवरेज देखिए आपको 81.7 किलोमीटर्स का एवरेज दिखा रहा है ये। और बेस्ट एवरेज के लिए मैंने जो इसको चलाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इसका एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, एवरेज अच्छा चाहिए, तो आप इसे कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पर राइड करें। ट्रैफिक में जब आप जाते हैं तो गियर शिफ्टिंग बार बार होने की वजह से इसका थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आती है इसके, तो गियर शिफ्टिंग के टाइम पे इसका एवरेज डाउन हो जाता है। जैसे आप दिख रहा है आपको, गियर शिफ्टिंग में इसकी दिक्कत होती है और ये अलग हैवी सा हो जाता है थोड़ा। लेकिन हाँ, अगर गियर शिफ्टिंग भी हो और दो बंदे बैठे हों, तीन बंदे बैठे हों, तो भी ये इजीली अपनी स्पीड गेन कर लेती है, बिल्कुल स्मूथ चलती है, आप देख ही रहे हैं, बहुत इजी राइडिंग है इसकी। और आज हम फुल ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो उस ट्रैफिक के साथ साथ इसके एवरेज पे क्या दिक्कत आती है, एवरेज कितना ड्रॉप होता है वो आपको दिखेगा। और अभी हम ट्रैफिक लाइट पे हैं, तो ट्रैफिक लाइट की वजह से हम इजीली इसे बंद कर सकते हैं।
तो अपना जो फ्यूल एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार लाइट पर बंद कर लाइट पर चालू करके खड़ी करने से इसमें हमें थोड़ा सा एवरेज लॉस होता है। तो माइलेज लॉस ना हो इसके लिए ये ज़्यादा बेटर है कि हम इसे बंद कर दें। और अभी बंद की हुई है और बंद करने के टाइम पे भी डिस्प्ले इसकी ऑन रहती है। तो बस हम चलने वाले हैं आगे, स्टार्टिंग बहुत इजीली हो जाएगी इसकी। लाइट हो चुकी है और हम अब निकल चुके हैं आगे के लिए। तो अब देखो स्पीड गेन इसकी बहुत इजी है, मैं इसको हाई स्पीड पे लेके जा रहा हूँ, कितनी जल्दी स्पीड गेन कर रही है देखो आप। और ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, ब्रेक इसकी बहुत अच्छी है। आगे का जब आप ब्रेक लगाते हैं, ये आगे का मैंने ब्रेक लगाया, तो ये इजीली कंट्रोल हो जाती है। और गियर शिफ्टिंग में जो बहुत लोग के कमेंट थे कि यार गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो गियर शिफ्टिंग में शायद मुझे ऐसा लगा कि जब क्लच हल्का सा भी इसका दबा हुआ रह जाता है तब ये गियर शिफ्टिंग के टाइम पर गियर इसका अटकता है। तो बिल्कुल हाथ को हटा के रखें, गियर लगाने के बाद में आप हाथ बिल्कुल अलग हटाए दें, तो उससे क्या होगा कि ये आपको दिक्कत नहीं आएगी इसकी ब्रेकिंग में, गियर शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अटकेगा नहीं आपका। तो ये मैंने जब मैं सर्विस पे गया तो मैंने उनसे कहा कि इसका ये इशू मुझे दिक्कत कर रहा है, तो उन्होंने मुझे इसका सॉल्यूशन बताया कि ये इसका सॉल्यूशन है, और आप दबा के रखते हैं ना हल्का सा भी तब भी ये आपको दिक्कत करता है। तो गियर शिफ्टिंग में कोई इशू नहीं है, बाकी स्पीड आप देखिए बढ़िया चल रही है और चलती बहुत स्मूथ में, जैसे एक स्पोर्ट बाइक का जो पिकअप होता है वैसे ही इसकी पिकअप है। आप देखिए कितना स्मूथ चल रही है ये, और स्पीड इसकी है अभी 53 है स्पीड इसकी। और मैं मोटो वीलॉग नहीं बनाता हूँ मोस्टली, लेकिन अब मैं जब से इस बाइक को लेके आया हूँ तो मैंने मोटो वीलॉग शुरू किया है। तो इस चैनल पे आप बने रहेंगे तो आपके साथ साथ मोटो वीलॉग भी करेंगे और आपको नई नई जगह दिखाएंगे, और आपका साथ रहा तो आगे तक चलेंगे। तो बने रहें आप मेरे साथ, मज़ा आएगा आपको, नई नई डेस्टिनेशंस आपको मैं दिखाऊंगा। मैं प्रोफेशनल ट्रैवलर हूँ लेकिन मोटो वीलॉग नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अब मैं मोटो वीलॉग को अपने इसमें ऐड कर रहा हूँ आपके प्यार की वजह से, जो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। तो बस आपके इस प्यार की वजह से मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू करी है, और आप बने रहेंगे उम्मीद करता हूँ मैं मेरे साथ। और जो लोग भी मोटो राइडिंग करते हैं वो भी चैनल पे आएँ, और अगर उनका कोई चैनल है तो मुझे बताएं, मैं उनके चैनल को भी प्रमोट करने की कोशिश करूँगा ताकि वो लोग ग्रो करें। और जो प्रोफेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुँचाएँ। तो जब मैं इस बाइक को लेके आया था तब इसके बाद में मुझे कईयों ने कहा कि इसका रिव्यू कैसा है, तो बहुत लोगों ने पूछा मुझे, तो मैंने इसको टेस्टिंग रिव्यूज़ देना स्टार्ट किया मैंने इसमें। तो चल रहे हैं अभी, थोड़ा सा डिस्टेंस चलेंगे अभी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं वैसे भी, लेकिन फिर भी अब जैसे यहाँ ब्रेकर आने वाला है, ब्रेकर के टाइम भी देखो इसका ब्रेकर पे बहुत इजीली इसकी स्पीड कंट्रोल हो गई। तो ब्रेकिंग में इसकी स्पीड कंट्रोल हो गई इजीली, और ड्रॉप स्पीड इजी स्पीड डाउन जो है बहुत इजीली हो जाता है, ब्रेक बहुत अच्छा है। मैं वापस ब्रेक देखा हूँ, आगे की ब्रेक के साथ पीछे हो दोनों ये कंट्रोल हो जाती है। तो इस बाइक का अच्छा फीचर है कि ये इजीली कंट्रोल हो जाती है, जैसे स्पोर्ट बाइक में ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और बहुतों ने मुझे भी कहा कि इसका हैंडल वाइब्रेट करता है, इसका जो हैंडल है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हैंडल भी इसका वाइब्रेट नहीं करता। ब्रेक शॉकर शॉकिंग इसका थोड़ा सा शॉकर जो है इसके थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि टाइट होते हैं, शॉकर में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्या पता, लेकिन इसका ज़्यादा शॉक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होता इसमें। और ये थोड़ा सा इसका ढलान पे मैं चढ़ रहा हूँ,
उस पर भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली चढ़ती है, स्पीड बढ़िया है। अगर मैं स्पीड इतनी नहीं भी लेके जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्पीड में भी चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 की स्पीड में देखो इजीली बिल्कुल आप स्मूथ राइड करते हैं, और इसका अभी फिफ्थ गियर में ये सबसे ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। आप तो फिफ्थ गियर इसका सबसे स्मूथ है और गियर शिफ्टिंग बढ़िया है इसकी। तो अभी तो इसका जो एवरेज आ रहा है 81.7 किलोमीटर से दिखा रहा है, वैसे इतना एवरेज होता नहीं है नॉर्मली, मैं आपको बता दूं ये देती 65 के आसपास ही है, 65 से ज़्यादा नहीं देती। आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो 65 के आसपास दे देती है, बाकी ट्रैफिक में अगर आप जाते हैं तो इसका 55 to 65 के बीच में ही रहता, 60 के बीच में ही रहता, 60 के नियर बाई मान लीजिए आप अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं तो, आप जहाँ बार बार क्लच दबता है, गियर शिफ्टिंग होती है, और शॉक तो आप देख ही रहे हैं कैसे ये शॉक इसमें लग रहे हैं। तो शॉकर इसका थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए था ताकि ये दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग पावर होगी तो ये और कंफर्टेबल हो पाएगी। हाइट बहुत अच्छी है भाई, तो चल रहे हैं अपन। अब यहाँ से ये अब यहाँ से हम चलेंगे जहाँ बार बार इसका गियर शिफ्ट होगा। अब गियर शिफ्ट होने वाला है तो इसका एवरेज माइलेज ड्रॉप होने वाला है। देखो जैसे ही गियर शिफ्ट होता है इसका माइलेज नीचे आता है। वैसे भी जब ये स्पीड गेन करने के टाइम होती है, जब हम इसे पिक करते हैं तब ये थोड़ा सा अपना एवरेज माइलेज है उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर देती है, और वो चाहिए भी होता है क्योंकि इसको पुल अप करना होता है। इंडिकेटिंग आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छी है, इंडिकेटर की लुकिंग भी इसकी अच्छी है, और ये जब ये दबता है आपको ऊपर वाला बटन जो पास में भी काम करता है, जैसे ये पास में भी काम करेगा, पास जब हम किसी को पास देते पास में भी काम करेगा, और ऊपर कर देंगे इसे तो ये लाइट का काम करेगा, तो ये भी बढ़िया है। तो बस थोड़ा सा दूर और चलना है हमें जहाँ ट्रैफिक आने वाला है। ये ट्रैफिक वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा दूर ही चलेंगे ट्रैफिक में अपन। तो आप देख रहे हैं इसका, और ये मैंने छोटा सा ड्यूरेशन का बनाया है मैंने वीडियो। ब्रेकिंग इसकी दोनों के साथ दबाते हैं आप तो ऐसा लगेगा कि आप डिस्क ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप दोनों आगे पीछे वाले ब्रेक साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि आप डिस्क ब्रेक करो, गाड़ी कंट्रोल बहुत इजीली हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ड्राइव पे। और ये शॉकर देख लो यार इसके, ये खड्डे खड्डे में चला रहा हूँ मैं इसको, तो ये खड्डों में जाके आपको पता पड़ेगा कि ये कैसे चलती है। तो शॉकर थोड़ा सा इसका और स्मूथ हो तो और अच्छा लगेगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली राइड पे। ये थोड़ी सी स्पान राइड थी, शॉर्ट राइड थी, और इसके बाद कोशिश करेंगे कि एक लॉन्ग राइड पे जाएं। तो उस लॉन्ग राइड पे जो इसका एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ब्रेकिंग तो इसी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, चैनल बने रहने के लिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए। तो आपको अगर और इसका एक्सपीरियंस चाहिए तो लाइक कमेंट करें, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। थैंक यू।